प्रश्न संख्या दो, इसमें हम विषमा विभूति शब्द यानी भाषा की बात में ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें दो शब्दों को जोड़ने से विषमा प्लस अभिभूत ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में ही जो दूसरा शब्द था मंडला था, ठीक है, तो इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, मंडल प्लस आकार, ठीक है। तो ये दो शब्द विषमाभिभूत में भी जुड़े हुए थे और इसमें भी जुड़े हुए हैं। तो विषमाभिभूत हमने कल पढ़ा था मंडला का, मंडल प्लस आकार, इन दोनों को जोड़ने से मंडला का, विषमय प्लस अभिभूत विषमाया अभिभूत। तो ऐसे शब्द है मंडल और आकार की संधि करने पर, संधि यानी इनको जोड़ने पर, इनका संधि करने पर, ये दोनों शब्दों का संधि करने पर मंडलाकार बना है। अगर आपको ऐसा शब्द आता है, आपसे पूछा जाता है कि संधि विग्रह करो, तो संधि विग्रह यानी उनको अलग करना। और आपने अटेंडेंस ले ली क्या? अटेंडेंस मेरे को 40 मिनट है, मैं 40 मिनट तक आप इधर रहिए, मैं कभी भी अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है। आपको अटेंडेंस का टेंशन नहीं करना है, मैं अटेंडेंस मैंने अभी ज्वाइन किया तो इसलिए पूछा था कि शुरू में तो नहीं, मैं लास्ट मिनट में अटेंडेंस लेता हूँ, आपको पता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं क्लास को, इसलिए मैं लास्ट में जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं का अटेंडेंस लेता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपको थोड़ी देर बाद में, क्लास होने के बाद में व्हाट्सएप पे डालूंगा कौन किन बच्चों ने क्लास अटेंड किया है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल सर का भी हमको ऑर्डर है कि बच्चों जो एब्सेंट है उनको व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे अटेंड किए। कई बच्चे ऐसे हैं कि अटेंड नहीं करते, क्लास को छोड़ देते हैं, तो मैं लास्ट में लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि कौन कौन बच्चे ने क्लास अटेंड की है, जो बच्चे लास्ट में रहेंगे उन्हीं का प्रेजेंट डालूंगा, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मेरा अटेंडेंस ले लो मेरा नहीं लो, क्योंकि जो लास्ट में रहेंगे उनका अटेंडेंस हम ले लेंगे और डाल देंगे व्हाट्सएप पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। 5 मिनट पहले मैं अटेंडेंस ले लूंगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा थोड़ी देर बाद में, क्लास होने के बाद में, ठीक है। चलो हाँ, अभी हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मंडला का इसका जो है शब्द का संधि विच्छेद है मंडल प्लस आकार। आपको क्या है, अगर यही शब्द है इसको जोड़ने के लिए बोले तो ये संधि हो गया इसका मंडला का, अभी इसका संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब उसको तोड़ना अलग करना, और संधि मतलब जोड़ना, संधि विग्रह मतलब संधि विग्रह या संधि विच्छेद का मतलब उसको अलग करना। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी शब्द पूछा जा सकता है मंडल प्लस आकार से क्या बनता है मंडला का, ऐसा भी पूछा जा सकता है शब्द का संधि विच्छेद करो तो मंडल प्लस आकार, इस तरीके से आपको करना है। ऐसे ही मंडला का शब्द का विग्रह करने पर तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ शब्द की संधि विग्रह कीजिए, नीचे कुछ शब्द दिए हैं उनका संधि विग्रह करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है संधि करना है उनको, सबसे पहले संधि वाला शब्द लेते हैं, तो संधि जो है वाले शब्द है संधि करना है, जैसे नील प्लस आ क्या हो जाएगा इसका संधि, मिलाप मिलाप मिलाप, और जो आ है उसको ले जो हमारा व्यंजन है इसमें जोड़ दिया, तो ले में आ हो गया तो ला बन गया, ला हो गया, अब बचा इधर है नीलाहा, ठीक है, तो नीलाहा बन गया। ऐसे भी एक और शब्द दिया है संधि का ही, नव प्लस आगंतु, नव प्लस आगंतु,
प्लस आधा भी होगा, इसमें जो आर है वो बैलेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं तो ऐसे कैसे रहेगा बैल में आधा बैलेंस होगा, और ऐसे कैसे जो नीचे बचा हुआ है बंधु शब्द उसको ऐसे कैसे लगा देंगे, कौन गया नवा बंधु। ठीक है बच्चों सर। हाँ तो नवागंतु में कौन सा शब्द है, इसका मतलब क्या है? क्या सर ये जो शब्द बनाया ना नव प्लस आगंतुम दो, इसका मतलब क्या है? नवागंतुक यानी नया नया आने वाला, जैसे उसमें नवागंतुक जो मोर के जो बच्चे हैं वो जाले घर में नवागंतुक की तरह थे, नव वधु की तरह थे, नव आगंतुक, नव यानी नए, आगंतुक यानी आने वाले। ठीक है, जो नए आने वाले उनको नवागंतुक मतलब नए वंशज वाले जैसे कुछ। हाँ नव यानी नए और आगंतुक यानी आने वाले, अब कोई भी हो सकता है उसमें, प्राणी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जीव, कोई भी जीव हो सकता है। जैसे वहां पर जाली घर में जो नीलकंठ और राधा जब आए थे तो उनको भी नवागंतुक भी कहा गया था कि नवागंतुकों का जाली घर में सभी जीव जंतुओं ने स्वागत किया बड़े जोर शोर से, जैसे किसी नव वधु का स्वागत करते हैं उसी तरीके से उन नव आगंतुकों का जाली घर में बड़े जोर शोर से स्वागत हुआ, नव आगंतुक यानी नए आए हुए मेहमान। ठीक है, कोई भी मेहमान हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आगंतुक यानी आने वाले, नव यानी नए। नेक्स्ट वर्ड इसमें ये तो हो गया जो संधि वाला, अभी पूछा है विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना, विच्छेद और विग्रह का मतलब एक ही होता है, तो मैं ये संधि वाला बता दूं विग्रह का मतलब, ठीक है ना, मंडला का हो गया और विष्णुविरुद्ध का हो गया और मीलार का हो गया और नवागंतुक का हो गया, इनमें से भी पूछा जा सकता है मंडलाकार से और विष्णुविरुद्ध से भी। कई बार बच्चे क्या है जो एग्जाम्पल रहता है ना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको भी टीचर क्या है एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हमको जो एग्जाम्पल दे रहे थे क्वेश्चंस में उस पर भी ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये संधि वाला, अभी इसे क्वेश्चन और है संधि विग्रह करना है, जैसे एक शब्द दिया है सिंहासन, इसको अलग करना है, पहले वाला को तो जोड़ना था इसको तोड़ना है, तो सिंहासन इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विग्रह सिंह प्लस आसन, 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 आसन। ओके, अब इसमें क्या है, है में आ जाता है तो इससे क्या है सिंहासन प्लस आ, ठीक है, सिंहासन हो जाता है। ऐसे ही दूसरा शब्द है मेघाक्षण, दूसरा शब्द क्या है मेघाक्षण, ये शब्द है मेघाक्षण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मेघ प्लस आक्षण, मेघ यानी क्या होता है बादल, प्लस आक्षण, आक्षण यानी छाना, मेघ प्लस, मेघ प्लस आक्षण, विग्रह, और पहले वाला जो दो शब्द थे उनका संधि करना था ये विग्रह हो गया। तो अब इस प्रकार भाषा की बात के जो प्रश्न है मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, अब हमको क्या है हमारा जो कल का जो पोर्शन है 11 12 13 लेसन उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो 11 12 13 लेसन में क्या है, सबसे पहले तो आपको जो पाठ का नाम है 11 लेसन के और उसके राइटर का नाम है और कविता का जो सारांश है मीनिंग है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें से लेसन के अंदर से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो उनमें से आपको ऑप्शन दे पाएगा तो आपको उन सबको ध्यान देना है, तो आपको ये
सुन रहा हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सी है? 11, 12 और 13, तीन पार्ट आपको वसंत में से आएंगे, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पार्ट 11 के विषय में देखिए, इसमें जो है बच्चों आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि रहीम ने पुआल के मांस में गरजने वाले बादलों की तुलना की है, तो गरजने वाले छोटे बादलों की तुलना कौन से महीने में आता है? जो वो मास जो त्वार का जो महीना है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आश्वनी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, त्वार का जो महीना है उसको दूसरे आश्वनी नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो ऑप्शन में आपको अगर ये भी मिलते हैं तो तोते बादल कौन से महीने में वो गर्जना करते हैं, तो ये भी आपको इस तरीके से क्वार के महीने में या अश्वनी दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो तोते बादलों की तुलना किससे की गई है? ऐसे निर्धन व्यक्ति से जो क्या है आज के समय में वो गरीब है लेकिन वो पहले की पिछली बातों को ही रिपीट करता रहता है, मतलब पहले की बातों को बताता रहता पर वो प्रेजेंट की बात को नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि वो पहले की बात में वो अमीर था पर अब वो गरीब गरीब है, क्योंकि वो ऐसे आदमी से की गई है जो पहले अमीर था पर अब वो गरीब हो गया। इसके समान बताया गया है उसको, क्वार के जो थोते बादल है ना उसके समान बताया गया है, वो थोता है, कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है, वो गरजते बरसते नहीं है। हाँ, तो उसको क्वार या अश्वनी, क्वार का महीना या अश्वनी, ये देसी जो महीने होते हैं ना आप में, उनको इस तरीके से कहते हैं। तो क्वार का महीना जो अश्विनी या क्वार दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप, तो उस में जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ऐसे ही निर्धन व्यक्ति क्या है, पहले जो धनवान था वो उन्हीं बातों को रिपीट करता रहता है। ऐसे ही एक और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि तरवर पर नहीं खाते सरवर भी इतना पान, कही रहीम पर काज संपत सचई सुजान। जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान यानी जो सज्जन लोग होते हैं, उनका कार्य क्या है? परहित, दूसरे की भलाई करना। सर धन संचय भी बोल सकते हैं क्या? हाँ? धन धन संचय, क्योंकि मैंने बहुत से वो देखे थे, क्या बोलते हैं हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ना सर, तो उसमें बहुत से लोगों ने बोलता है धन संचय जो सज्जन करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते, तो धन संचय है तो लिख सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन इसमें अगर संपत्ति सचय सुजान लिखा है तो संपत्ति सचय, संपत्ति और धन एक ही बात है। ओके सर, ठीक है। तो ये जो है सज्जन लोग है, इनकी जो तुलना है वो तरुवर फल नहीं खाते, जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, वो परहित, यानी परहित का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर भलाई, दूसरे का हित, पर यानी दूसरा, हित यानी उसकी भलाई, जो दूसरे की भलाई के लिए ही ये अपना कार्य करते हैं। जैसे पेड़ क्या है अपने फल नहीं खाते, दूसरे को ही देते हैं। सरोवर यानी तालाब सरोवर, ये अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरे की ही भलाई के लिए रखता है। ऐसे ही सज्जन लोग जो है अपना धन का जो संचय है या धन एकत्रित करते हैं वो किसके लिए करते हैं? परहित। किसके लिए करते हैं बच्चों? परहित यानी दूसरे की भलाई के लिए। तो ये ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में ही जैसे मछली जो है वो क्या है, पानी का जो पानी जो है वो मछलियों को छोड़ करके उस तालाब से बाहर हो जाता है, लेकिन मछलियां क्या है वहीं पर रहती है और वो अपने प्राण भी गवा देती है लेकिन उस जल का वो नहीं छोड़ती है। तो मछली जल के बिना जीवित नहीं रह पाती है और वो इसी में तड़प तड़प के मर जाती है, लेकिन पानी क्या है उसका मोह छोड़ देता है। ऐसे ही एक उदाहरण उन्होंने धरती का भी दिया है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेघ, जो धरती है शीत घाम और मेघ, तो धरती का ये नियम है, ये रीति है कि वो सर्दी हो गर्मी हो वर्षा हो
उन सबको समान रूप से सहन करती है। तो सहनशीलता, धरती की जो सहनशीलता ऐसी है कि कोई सा भी मौसम हो, सभी मौसम को वो क्या है, सहन करने की काबिलियत रखती है। ठीक है, तो उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि हमें भी चाहे सुख हो या दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, खुशी का माहौल हो या दुख का हो, क्योंकि जीवन में सुख दुख ये सब आते जाते रहते हैं, तो इन सबको हमारे जीवन में क्या है, हमें सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दुख आने पर हताश हो गए और खुशी आने पर बहुत खुश हो गए, दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए। सर, चैप्टर में जीके के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हाँ, इस चैप्टर में एमसीक्यू के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वही तो बता रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ मैं, और कर क्या रहा हूँ, क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, उसका आंसर भी दे रहा हूँ। भाई मैं यही तो बता रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं, सज्जन लोगों का कार्य क्या है, क्यों वो धन एकत्रित करते हैं, ये प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, परहित के कारण दूसरे की भलाई के लिए, ये इसका आंसर हो गया, यही तो बता रहा हूँ। ऐसे ही तो प्रश्न पूछेंगे, और कैसे पूछेंगे, क्या आसमान से तो नहीं आएंगे प्रश्न, तो यही पूछेंगे, मैं वही तो बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। भाई आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ कि प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो चार ऑप्शन आएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, तो प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, कुहार के बादलों की तुलना किससे की गई है, निर्धन व्यक्ति से, निर्धन व्यक्ति की तुलना किससे की गई है, कुहार के बादलों से या अश्वनी के बादलों से, अश्वनी वहां के बादलों से, तो ये प्रश्न बनते बच्चों ऐसे ही आएंगे, आपको वही चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या ध्यान नहीं दे रहे, मैं प्रश्न ही तो बना रहा हूँ और उनका उत्तर जो है किस तरीके से आपको अटेंड करना है वो समझना है, इसी तरीके से आपको उन प्रश्नों को समझना है। आप जैसे लेखक का नाम पूछ लिया गया, कोई भी राइटर का नाम है पाठ का, तो ऐसे प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्ट टाइप में आते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको याद करने हैं, तो वही मैं समझा रहा हूँ। तो 11वां लेसन जो है रहीम के धोए, ये रहीमदास जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। हाँ, एक है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है, ऐसा प्रश्न बताइए, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? वो हमेशा जरूरत जो मित्र अपनी मुश्किल में मदद करे वो ही सच्चा मित्र होता है। वो हमेशा अपनी ना व्यक्ति का सबसे मदद करता है, वो धन वगैरह मान सम्मान होता है तो बहुत से लोग हमारा साथ हमारे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम बहुत ही मुसीबत में होते हैं तब हमारे सच्चे दोस्त हमारी मदद करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है, जो विपत्ति में हमारा साथ दे, विपत्ति की कसौटी पर खड़ा उतरे, कोई सच्चा मित्र है, विपत्ति कसौटी के कसे तेरी साचे में, वही सच्चे मित्र है। सर, हाँ सर, मुझे मछली वाला ढंग से समझ में नहीं आया। कौन सा? मछली वाला और जल। हाँ, इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, किसी चीज के प्रति जो मोह होता है वो भी हम क्या है, विपत्ति आने पर या संकट आने पर या समय आने पर हम उस मोह को क्या है, त्याग देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कथन है, ये जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह, जल जो है, जो तालाब का जो जल है वो बारिश होने पर या अतिरिक्त जल आने पर, वह जल जो तालाब में था और जिसमें मछलियां रह रही थी और मछलियों का और जल का, मछलियों का जो मोह था उसके प्रति, वह जल क्या है, मछलियों को छोड़ करके उस तालाब से बाहर आने लगता है। जब ज्यादा जल पानी और उसमें आता है तो पुराना पानी क्या है, उसमें से निकलने लगता है। तज मीनन को मोह, मीनन यानी मछलियों का जो मोह था उसके प्रति, उसको छोड़ करके। लेकिन रहीमन मछली नील को, लेकिन जो मछली है वो नीर यानी पानी को तो न छाड़ छोड़, वो कभी भी उस पानी का मोह नहीं छोड़ती है, वो वहीं पर
बहती है। सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि पानी में जल डालने से मछली तो जाल में फंस जाती है लेकिन पानी बह कर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका विछोह होते ही तड़प कर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़ बह जाता है। मतलब जाल डलते ही वो निकल जाती मछली उसमें। हाँ, इसमें क्या है बच्चे, ये बताया गया है कि जो जल है वो मछलियों का मोह छोड़ सकता है लेकिन मछलियां कभी भी पानी का मोह नहीं छोड़ सकती है। बस इतना सा आपको समझना है कि जल जो है वो क्या है, मछलियों का मोह त्याग करके वो उनसे अलग हो सकता है लेकिन मछली कभी नीर यानी पानी का कभी भी मोह नहीं छोड़ती है। वो अपने प्राण त्याग देती है लेकिन पानी को नहीं छोड़ती, पानी से बाहर निकालने पर वो अपने प्राण त्याग देगी, ठीक है, लेकिन वो पानी का मोह नहीं छोड़ेगी। लेकिन जल जो है वो मछलियों को छोड़ करके अलग हो सकता है लेकिन मछलियां कभी भी पानी का मोह नहीं छोड़ती। दूसरा इसमें क्या है, तरोवर यानी पेड़ का और तालाब का उदाहरण दिया है कि पेड़ और तालाब क्या है, दूसरे के हित के लिए ही ये सब कार्य करते हैं, पर हित के लिए ही। जैसे तरोवर यानी पेड़ अपना फल दूसरे को देता है दूसरे के हित के लिए ही, और साथ में ही तालाब क्या है, कभी अपना पानी नहीं पीता है, वो भी हमेशा दूसरे को ही पानी पिलाता है, तो ये पर हित। ऐसे ही सज्जन लोग क्या है जो धन इकट्ठा करते हैं वो दूसरे की भलाई के लिए ही करते हैं। तालाब वाले एक और बार समझा दो। तो अभी क्या है, दूसरा जो उदाहरण है बच्चों वो देखिए इसमें। हाँ, साथ में इसमें ग्रामर के कुछ शब्द है जैसे विपत्ति है विपत्ति, तो इनको भी आप ध्यान देना। परे एक शब्द है परे, इसको हम पढ़े तो रे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही जिप्ति शब्द है उसको हम विपत्ति यानी इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपको सही शब्द उसमें से उन्होंने वो आपसे पूछ सकते कि जिप्ति शब्द का मानक या प्रचलित हिंदी रूप क्या होगा, तो ये आपको लिखना है विपत्ति, ठीक है। इसमें क्या है वो कई बार ये वाला टैच नहीं लगाएंगे, एक ऑप्शन में एक में बड़ी मात्र लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें बहुत कम ऐसा अंतर मिलेगा कि थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक में ये आधा टैच नहीं लगाएंगे, आधा टैच का काम करता है, ठीक है। एक में क्या है छोटी की मात्रा लगाएंगे बड़ी की लगा देंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको क्या है बच्चों नोट करना है, ठीक है ना। ऐसे ही मछली शब्द है, मछली का हो जाएगा मछली, मछली। ऐसे ही बादल शब्द है तो बादल का भी बादल शब्द हो जाएगा। हाँ। बादल 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 बादल। हाँ। ऐसे ही शीत शब्द है, शीत का क्या है बच्चे ज्यादातर ये शीत। हाँ, और शीत। दूसरा जो प्रश्न है बनत बहुत बहुरीत जाल परे जल जात रही, इसमें क्या है बैवर्ण की आवृत्ति हो रही है बनत बहुत बहुरीत और दूसरे में जाल परे जल जात भाई, इसमें जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। तो इसमें ऐसे ही उदाहरण आपको दिया जा सकता है कि कौन से शब्द में इनके जैसे ही आवृत्ति यानी रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों अलंकार है, तो अलंकार तो आप अभी पढ़े गए अनुप्रास अलंकार है, तो इससे क्या है आपको अलंकार तो पूछेंगे नहीं लेकिन ये तो पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ण की आवृत्ति हुई है यानी कौन सा वर्ण सेम सीक्वेंस में रिपीट हुआ है, यानी फर्स्ट लेटर ब है तो दूसरे शब्द में भी फर्स्ट लेटर ब ही होना चाहिए, या तीसरे में हो जाओ या चौथे में हो, ऐसा ही एक उदाहरण और आपको दे देंगे कि इनके जैसा उदाहरण कौन सा, ठीक है।
अभी देखिए लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 में क्या है बच्चों, आपसे ये लेसन हमारा इतना ही, इसमें से पूछ सकते हैं, मैंने सारा इसमें से कैसे कैसे पूछे हैं, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। कंचा लेसन, कंचा लेसन पहले तो राइटर का नाम किसने लिखा है ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कंचे लेसन में जो है स्टोरी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अप्पू है उसका दोस्त कौन था, या कंचे खेलने में सबसे माहिर लड़का कौन था। जॉर्ज, जॉर्ज, हाँ जॉर्ज, यस। और अप्पू ने फीस के लिए कितने पैसे लिए थे? 150 रुपया। हाँ, और अप्पू जब कंचों की दुनिया में खोया हुआ था क्लास में, जब मास्टर जी किसके बारे में पढ़ा रहे थे, रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी के बारे में। यस, इसके साथ में, हाँ यस, और साथ में ही ये भी हम बता सकते हैं कि जो अप्पू है उसको चिमटी किसने काटी थी, यानी उसकी चिमटी ली थी एक बच्चे ने, तो उसका नाम भी पूछ सकते हैं। रेलगाड़ी पास पड़ा। यस, और कंचे कैसे थे? अरे लकीर वाले बड़े। तो ये ऐसे जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी प्रश्न लेसन के अंदर से भी बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। और अप्पू को फीस के पैसे किसने दिए थे? हाँ, और माँ ने दांतों तले उंगली क्यों दबाई थी? क्योंकि वह सोचना पड़ गई थी कि इतने सारे कुंचे वहाँ कैसे लाया, पैसे कहाँ से आए, क्योंकि उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि उसके पास फीस के पैसे हैं, पर बाद में पता चला तो नॉर्मल। यस, साथ में ही आपसे पूछा जा सकता है कोई भी जो मुहावरा है उनसे मिलता जुलता, जैसे दांतों तले उंगली दबाना, उससे मिलता जुलता कोई और मुहावरा, या आप इस कहानी का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ठीक है, इस कहानी का कंचों की दुनिया। यस, और कंचों, कंचे ही कंचे, कंचे या फिर कंचों, कंचे ही कंचे, कंचों का सबक। हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। कंचों का मुंह, ओके। कंचा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, कहानी का लेखक कौन है? टी पद्मनाभन, टी पद्मनाभन, ओके, नावन, नाथन, नावन। यस, तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ में ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खट्टी मीठी गोलियां शब्द में खट्टी मीठी शब्द क्या है?
क्या सर समझ में नहीं आया। खट्टी मीठी गोलियां जो वाक्यांश है वाक्य है उसमें शब्द क्या है विशेषण 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 और संज्ञा गोलियां संज्ञा गोलियां संज्ञा गोलियां गोलियों की विशेषता बता रहा है यह बता रहा है कि वो खट्टी मिट्टी है। हाँ गोली क्या शब्द है गोली क्या है संज्ञा 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 ओके यस। ऐसे ही नेक्स्ट लेसन है हमारा एक दिन का। इसकी राइटर कौन है एक दिन का कविता के? अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अगर आपको शॉर्ट में नाम आता है हरिओत तब भी आपको वही सेलेक्ट करना है हरिओत जी ठीक है। पूरा नाम आता है तो पूरा नाम आपको एक दिन का कविता के कवि का नाम पूछा जाता है तो तीन ऑप्शन गलत आएंगे एक ऑप्शन सही आएगा। तो आपको हरिओत का अगर शॉर्ट में नाम आता है तो शॉर्ट में अगर पूरा आता है तो पूरा वाला ऑप्शन आपको चुनना है। एक दिन का कविता में कवि के बारे में क्या बताया गया है कि कवि कैसा है कि वो बहुत घमंड में रहता है उसका कभी घमंड का बहुत घमंड में रहता है उसका घमंड तोड़ने के लिए किंका में कभी था कभी बहुत घमंडित हो गया था घमंड है अपने आप पर बहुत गर्व है तो कभी का बहुत घमंडित था इसलिए वो तूफान के आने के समय छत की बुंदेल पर खड़ा था। वो कहाँ खड़ा था? कभी की आंख लाल होकर क्यों दुखने लगी? क्योंकि उसकी आंख में टिंका उड़ गया था। उसकी आंख में उड़ करके आ गिरा था इसलिए उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने कभी की आंख से तिनका कैसे निकाला? लोगों ने कपड़े का मूठ बनाकर उसकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करी। तिनका निकालने के बाद कभी की क्या तिनका निकालने के बाद कभी की क्या स्थिति हुई क्या दशा हुई? उसका घमंड चूर हो गया समझ आ गया और जो समझ आ गया कि उसका उसका घमंड तोड़ने के लिए टिंका ही काफी है। और उसकी आकड़ जो है उसकी एंट जो है वो भी दूर हो गई दूर हो गई वो भी दूर हो गई और उसकी आकड़ में और उसके आकड़ और एंट दूर हो गई और वो क्या है बहुत परेशान था तिनका करने के बाद व्याकुल बेचैन हो गया तो उसकी सारी अकड़ घमंड दूर हो गया और फिर उसकी एंट ने उसकी जो बुद्धि है उसने उसको ताने दिए थे कि तू एंट का किस लिए एक दिन का है तेरे लिए बहुत ठीक है। तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंड की क्या दशा हुई वो बहुत ही बेचैन और व्याकुल हो गया। आंख में तिनका पड़ने पर घमंड की क्या दशा हुई वो बहुत ही बेचैन और व्याकुल हो गया व्याकुल हो गया था और उसका घमंड भी चूर चूर हो गया। हाँ किसी ढंग से निकलना का अर्थ क्या है? किसी ढंग से किसी भी तरीके से निकलना ओके गुड। ऐसे ही इसमें क्या है एक ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि मेंढक पानी में डैश कूद गया कैसे? छप से ओके छप से नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई टप से ओके टप क्योंकि उसका साउंड टप से होगा तो वो तेरी चिड़िया डैश उड़ी उड़ते मैं ठंड में डैश कांप गया
थर से थर 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 से थर 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 ने लगा थर ने लगा ठंडी हवा टेरेस गुजरी सन से सन से फुर से सन से सन से सन से ठंड से हवा के लिए हम सन 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 सनाती हवा चल रही है ऐसा प्रयोग करते हैं ना कि सन से और मैं ठंड में सन से सन से भी हो सकता है सर सन से अंतर काम रहा है तो सर से सर से भी हो सकता है। ये जो है बच्चों इसमें जो प्रश्न है इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक बार और आप क्या है इन लेसनों को रिपीट कर लेना। इसके बाद में जो महाभारत के प्रश्न है लेसन नंबर 26 से 30 तक महाभारत के जो लेसन है उनके जो प्रश्न है वो भी टेक्स्ट बुक में से आपको बना के पूछे जाएंगे तो इसके लिए आप क्या है मैंने लिखवाए हैं मैंने भेजे हैं उनको भी याद कर लेना। मैंने भेजे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट्स में भेजे हैं उनमें से भी आप याद कर लेना। महाभारत के जो मैंने भेजे हैं तो उनको तो आपको पहले याद करना ही है साथ में टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है बेटे 26 से 30 लेसन तक ठीक है। यस सर। अभी मैं क्या है आपको एक बार अटेंडेंस और ले लेता हूँ क्लास नहीं छोड़ना है अभी। ओके सर मैं यही अटेंडेंस आपको काट के डालूंगा। यस सर। अटेंडेंस ही ले रहा हूँ मैं इसको क्या है अपने मोबाइल पे इसको ले लेता हूँ आपको क्या है व्हाट्सएप पे डाल दूंगा इसी को पलक माइक बंद कर। हाँ अभी 46 बच्चे इसमें है तो 46 बच्चों की अटेंडेंस मैं केवल इसमें लगाने वाला हूँ ठीक है बच्चों। तो आज के लिए और कल जो एग्जाम देंगे आप उसके लिए अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को समझना है उसके बाद में पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है और जिन बच्चों ने जो असाइनमेंट हॉलीडे होमवर्क विंटर ब्रेक का उसको भी कंप्लीट करके प्लीज आप महाभारत के प्रश्न और एक पीपीटी उसको कंप्लीट करके मुझे दे देना है एग्जाम के बाद दे देना लेकिन देना जरूर है ठीक है। ओके सर। ओके चिल्ड्रन। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। पेपर को कल का हिंदी का पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना है अटेंड करना है प्रॉपर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। एक बार और रिपीट करना है घर पे रिवीजन करना है। सर आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी। मैंने बच्चों जो इसमें थे 46 बच्चे सर मैं भी लीव हो गई थी गलती से इसलिए पूछ रही हूँ सर। जो बच्चे छोड़ के गए उनका नहीं लगाया 46 बच्चे थे लास्ट में 46 का लगा दिया। सर वो मैं गलती से लीव हुई थी इसलिए पूछ रही थी दैट वर्क प्रॉब्लम की वजह से। 46 बच्चे लास्ट में थे उन्हीं का लगा दिया और उनमें से सभी बच्चों का लगाया है 46 का। जो बच्चे एब्सेंट है उनका व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अभी 10-15 मिनट बाद में।